हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपने अगर फ्री प्लेलिस्ट नहीं देखी है यूजीसी नेट मनोविज्ञान साइकोलॉजी की तो उसको देखना आप ना भूलें। पिछली बार भी पेपर में चीजें आई थी वहां से और इस बार भी वहां पर आपको आती हुई मिलेगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपकी अगली 27 दिन के लिए किस प्रकार से आपने तैयारी करनी है, ठीक है, और किस प्रकार से आप जो है इन 27 दिनों का काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। बात करेंगे हम थ्योरी के बारे में, बात करेंगे हम एमसीक्यू के बारे में, और उसी के साथ साथ बात करेंगे हम यहाँ पर पीवाईक्यू के बारे में भी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, और उसी के साथ साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जहां पर हमने है रिसर्च के कुछ सवाल हैं उनको खोल खोल के देखा है, पढ़ा है, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, ताकि आप जो है आने वाली परीक्षा के अंदर उस सवाल को आप करना भूल जाए या आपसे ना बने। तो प्रीवियस के जो 2-3 वीडियोज आए हैं वो सीधे कोर्स से आए हैं आपको, तो आप जो है उन वीडियोज को देखें और वहां से अपना फायदा आप उठा सकते हैं। कंप्लीटली आपके ऊपर है ये बात। ओके, अगली जो बात करनी है हमको वो पहले हमारे पास आती है थ्योरी। क्या इन 27 दिनों के अंदर आपको लॉजिकली थ्योरीज पढ़नी चाहिए? उसके आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यस एंड नो, ठीक है। तो नो वाला कौन सा केस है? नो वाला वो केस है अगर आपका 18 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था, अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम निकल जाता, अगर आप उसके लिए यस कर रहे हैं कि आपका एग्जाम निकल जाता, आप कॉन्फिडेंट थे, तो आपको जो है थ्योरीज कौन सी पढ़नी है? आप केवल वो न्यू वाली थ्योरीज पढ़नी है जो आपके इस बार एग्जाम में आई थी। आएगी नहीं वो इस बार एग्जाम में, वो अलग बात है, लेकिन आपको पढ़ के जाना है, आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है, जो न्यू वाली थी। हाँ, कौन से केस में होगा? आपको थ्योरीज पढ़नी है अभी से, मान के चलिए कम से कम 10 से 12 तारीख तक आपको जो है थ्योरीज पढ़नी है अच्छे से। अगर आपका स्थिति जो थी वो डामाडोल थी, कब डामाडोल थी? आपकी 18 तारीख को, ठीक है। अगर 18 तारीख को आप पास नहीं हो रहे थे, आपको दुविधा थी, तो क्या करना है आपको? एक बार फिर से 10-12 तारीख तक आपको जो है थ्योरी को रिवाइज करना है, फोकस करना है। अगर पहले कभी नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना है, क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, वो सब पढ़ना है आपको, ठीक है। और उसके बाद जाकर जो है आप कहां पर पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे अगले चरण के ऊपर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, थ्योरीज पढ़ना या नहीं पढ़ना डिपेंड करता है कंप्लीटली कि आप 18 तारीख को आपका क्या स्कोर बन रहा था, ठीक है। अगर आपका साइकोलॉजी का पेपर अच्छा हुआ है, सेकेंड पेपर आपका अच्छा हुआ है, ठीक है, उसमें आपने सवाल अच्छे किए हैं, तो आपको यहाँ पर ज्यादा थ्योरी में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप 18 को नहीं हो रहे थे पास, दुविधा थी आपको वहां पर कि आप पास होते या नहीं होते, तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर एक बार फिर से जो है लग जाना है परीक्षा में अच्छे से, ठीक है, इन द सेंस थ्योरी आपको जो है अच्छे से करनी है। अगर आपको बताएं तो केवल सोशल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि सिलेबस आपका बहुत छोटा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो लोग पास करते हैं वो सोशल साइकोलॉजी में आपको मालूम नहीं है आपको जो है कितनी थ्योरीज पढ़नी है, 30+ तो कम से कम, और 50+ थ्योरीज आपकी टोटल है, ठीक है। केवल सोशल साइकोलॉजी में 50+ थ्योरीज हैं जो आपको पढ़ के जानी होती हैं एग्जाम के पूर्व। नंबर ध्यान रखिएगा, कितनी बोल रहे हैं? 50 बोल रहे हैं, ठीक है। मोटा मोटी तौर पर आपको कम से कम 50 थ्योरीज आपको पढ़ के जानी है, तब आप ये कह सकते हैं कि जब आपने इतनी थ्योरीज पढ़ ली है तो आप ये कहेंगे कि यस हमारी यूनिट 8 जो है आपकी सोशल साइकोलॉजी वो क्या हो चुकी है, वो आपकी स्ट्रांग है, वो आपकी पक्की है, वो आपकी कंफर्म है, ठीक है। उसी के साथ साथ ये थ्योरीज पढ़नी है, प्लस आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। अब यहाँ देखिए थ्योरीज कहाँ से बढ़ी हैं, नॉर्मली देखा जाए अगर तो नॉर्मली आपके जो सिलेबस में है वो 25 से 30 थ्योरीज हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि हर बार पेपर में देखिए 21 की बात करें, 22 की बात करें, 23 की बात करें, हर बार क्या होता है नई नई थ्योरीज जो है ये एंटर कर जाती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि जितना हम सिलेबस पढ़ लेंगे उतना आपका हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको ओवर द टॉप जो ओटीटी कंटेंट है वो भी आपको पढ़ना होगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जो न्यू थ्योरीज है, न्यू सिलेबस आपका अपडेट हो रहा है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए जो जो सवाल आए हैं, जो जो थ्योरीज हैं वो आपको पढ़नी है। केवल आपके यूनिट नंबर 8 में आपकी 50+ थ्योरीज हैं, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। केवल किसकी बात कर रहे हैं? केवल आपकी यूनिट सोशल साइकोलॉजी सामाजिक मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं अगर तो, ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। अगर आप इतना पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो आपको कह सकते हैं कि आपकी सोशल साइकोलॉजी आपकी बहुत पक्की हो चुकी है। अब आपका जो है सवाल आपको अप्लाइड बेस लगाते आना चाहिए, उसके बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप मूव करेंगे। अब ये बात हमने केवल की किसके बारे में बात की? हमने केवल 8 यूनिट के बारे में। अब सोचिए यहाँ पर 6th वाली में कितने होंगे, 5th वाली में कितनी होंगी, 7th वाली में कितनी होंगी, 8th वाली में कितनी होंगी, ऐसी और कितनी थ्योरीज हैं। तो मान के चलिए आप कितनी थ्योरीज पढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेटली आप 250+ थ्योरीज आप पढ़ के जाते हैं, या कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस में आपकी ये घूमती रहती है, ठीक है। जो लोग नेट पास करने वाले हैं, जो लोग JRF करने वाले हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। इतनी थ्योरीज आपको जब ध्यान रखेंगे आप, 250-300 थ्योरीज जब आप पढ़ के रखेंगे, तो आप मान के चलिए यहाँ पर है ना, ऐसा नहीं कि आपको सारी रटी हुई होनी चाहिए, बट आपको मालूम होना चाहिए वो क्या कंसेप्ट है, क्या सारी चीजें निकल के आ रही हैं और क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं, ठीक है।
ये ऐसा क्यों है? क्योंकि 19 से जो आपका सिलेबस है वो उसमें चेंजेस होते रहते हैं और आपका ये अपडेट होता रहता है, ठीक है। इस बार देखिए कितनी सारी न्यू थ्योरीज आई हैं आपको, कुछ कुछ पुराना कंटेंट उठा के डाला है उन्होंने, तो ये सब कहाँ ऐड होगा? ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे आप तो आप दिक्कत में आएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर सारी यूनिट को कंबाइन करें तो आपका अप्रोक्सीमेटली इतनी बनती है, और अगर यूनिट नंबर फर्स्ट को भी इंक्लूड किया जाए तो फिर आपकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आपको क्या पढ़ना होता है? आपको सेलेक्टिवली पढ़ना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये 300 की 300 थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें से आप कितनी पढ़ेंगे, 150 से 200 आप एकदम स्ट्रांग रखेंगे, और बाकी की जो 50-100 है वो आप क्या करेंगे, आप वो ओटीटी रखेंगे, ओवर द टॉप आप रखेंगे उसको, कि हाँ थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में नॉलेज है, सवाल आएगा तो आप उसको एटलीस्ट एलिमिनेशन के माध्यम से आप उसको निकाल सकते हैं। केवल आपकी साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, पेपर वन में यहाँ पर बातें नहीं होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, इतना अगर आप करेंगे, ठीक है, कम से कम करेंगे तो आपका यहाँ पर नेट और जेआरएफ बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है, आपने ऑलरेडी सारी थ्योरीज पढ़ी है, बट आपको उसको क्या करना होता है, एक बार समझ के कंबाइंड तरीके से उसको आपको जो यहाँ पर पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर थ्योरीज आपकी कोई भी यूनिट लूज है, आपकी यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 अगर आपकी कुछ भी लूज है, ठीक है, तो क्या करें आप ध्यान रखें कि आपको जो है यहाँ पर सारी थ्योरीज आपको जो है पढ़नी होगी यहाँ से यहाँ तक लेकर अगले 10 दिनों के अंदर, ठीक है। 12 तारीख तक आप प्रयास करें, 12 से 13 तारीख तक आप प्रयास करें अगस्त की, कि आप जो सारी थ्योरीज जो आपकी बच गई है उनको क्या करें आप, उनको यहाँ पर आप रैपअप कर दें, ठीक है। यानी कि एक बार उनको आप देख लें सरसरी निगाहों से भी, कि आपको जो एग्जाम में आपको कुछ याद रह जाए, रिटेन रह जाए आपको वहां पर, ठीक है। उसी के साथ एक डिस्क्लेमर यहाँ पर ये है कि अगर आप मान के चलिए अगर आपका यूनिट नंबर 2nd और यूनिट नंबर 3rd आपका जो है यहाँ पर, 3rd ज्यादा नहीं लेकिन खास तौर पर यूनिट नंबर 2nd और यूनिट नंबर 9 आपकी जो है कमजोर है, तो आपका नेट कभी नहीं होगा, नेट आपका कभी नहीं होगा, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। कमजोर बोल रहे हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर मान के चलिए यहाँ पे 20 सवाल आते हैं यहाँ से, तो आपके कितने सही होने चाहिए, 15 प्लस सही होने चाहिए, 16 प्लस सही होने चाहिए, 17 प्लस यहाँ पर सही होने चाहिए। अगर आप 15 के नीचे आप आ जाएंगे तो 15 तो हर कोई यहाँ पर सॉल्व कर रहा है, 12 से 15 हर कोई यहाँ एवरेज में सॉल्व करेगा, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल भी स्ट्रांग रहना है कौन सी यूनिट में, आपकी 2nd यूनिट में, 3rd यूनिट में और आपकी यहाँ पर 9th यूनिट के अंदर, क्योंकि आपकी गेम चेंज वाली थ्योरीज कौन सी है, आपका जो गेम चेंज करेगी यहाँ पे वो थ्योरीज कौन सी है, सॉरी थ्योरीज बोल रहे हैं, यूनिट कौन सी है, वो है आपकी यूनिट नंबर 2nd, वो है आपकी यूनिट नंबर 3rd और वो है आपकी यूनिट नंबर 9। पूरा का पूरा गेम चेंज, कुछ मत पढ़ो अब, बस केवल ये चीज पढ़ के जाएंगे तो आप नेट निकाल लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ के जाएंगे तो भी आप नेट निकाल लेंगे, अगर आपने इन पे अच्छे से फोकस किया हुआ है। ये मोस्ट IMP और मोस्ट एथिकल आपकी जो यूनिट्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप देखिए हर कोई पढ़ के जाएगा, फ्रॉइड ने साइकोएनालिसिस दिया है ना, सोशल साइकोलॉजी में कंप्लायंस और वो जो 3 चीजें हैं वो होती है, गेस्टाल्ट फिगर ग्राउंड होता है, ठीक है, ये सभी को आता है, हर कोई इसको सही मार्क करेगा, गलत की मार्क करने की संभावना कम है। लेकिन फंसेंगे कहाँ पर, यहाँ पर जब आ जाएगी आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, यहाँ पर जब आपको पूछेंगे नीड्स थ्योरी के बारे में, यहाँ पर जब आपसे पूछेंगे किसी ऐसी थेरेपी के बारे में जो आपने कभी नहीं सुना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ये सब चीजें आपने जो है कवर करके जानी है। अगर आप खुद से सेल्फ कर रहे हैं स्टडी तो इसको आप खास तौर पर ध्यान रखें। अगर आपकी किसी भी वजह से 2nd, 3rd और 9th यूनिट कमजोर है तो आप परीक्षा पे बैठते रहेंगे आप हर साल, और इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको परीक्षा को देते रहेंगे। थोड़ा बहुत आपका जो लक साथ देना चाहिए है ना, अगर आपने मान के चलिए पेपर वन में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, आपने एकदम 50 में से 50 आ गए आपके, या फिर 50 में से 45 भी आ गए, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका नेट हो सकता है। लेकिन अगर आप उसके अलावा आप इसकी कमजोर कड़ी आपकी ये यूनिट्स हैं तो आप यहाँ पर भूल जाइए, दिसंबर की आप तैयारी करें, ठीक है। तो फोकस क्या रखना है आपको, फोकस रखना है कि 2nd, 3rd और 9th यूनिट में किस प्रकार से स्ट्रांग कर सकती हूँ, किस प्रकार से मैं इसको पक्का कर सकती हूँ, किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, देखिए 2nd यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखिए PhD एंट्रेंस वाला आया है सिस्टम, ठीक है। कौन सा आया है, PhD एंट्रेंस वाला सिस्टम आया है। तो PhD एंट्रेंस में क्या होता है बताइए, PhD एंट्रेंस में वो आपसे बंडूरा के बारे में पूछेंगे क्या, PhD एंट्रेंस में वो आपसे और कौन था नाम बताइए, याद नहीं आ रहा, स्किनर के बारे में पूछेंगे क्या, PhD एंट्रेंस में वो आपसे किसके बारे में, आपसे पावलो के बारे में पूछेंगे क्या, पूछेंगे एक आधो सवाल, लेकिन फोकस कहाँ रखेगा, देखिए इस बार अनोवा सवाल आया आपको, ठीक है, रिग्रेशन दिया आपको उन्होंने उठा के, ये सब कौन करेगा, जो आपको अच्छे से आता है तभी ना आप करेंगे, ठीक है। वहां पर देखिए एक फिनोमेनोलॉजी का अच्छा ट्रिकी सवाल दिया था, तो ये सब क्यों दे रहे हैं, PhD एंट्रेंस भी अब इंक्लूड किया है, तो वो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब ये आपको कब समझ में आएगा कि पेपर किस प्रकार से सेट होता है, जब आप क्या करेंगे यूनिट नंबर 3rd आप अच्छे से पढ़ेंगे, आइटम राइटिंग, मत विश्लेषण, आइटम एनालिसिस क्या होता है, उन सब चीजों को जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा डिफिकल्टी इंडेक्स क्या है और किस प्रकार से पेपर सेट होने वाला है, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो 2nd और 3rd और 9th यूनिट आप अपनी टेबल पे जहां पढ़ रहे हैं, रूम में जहां भी आप हैं वहां पे लिख लीजिए और वहां पे ऐसे लगा दीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिन में एक बार एक ना एक यूनिट को इसको रिवाइज करना ही करना है आपको, बार 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 रिवाइज करना है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है, ओके। और हमारी जो फ्री प्लेलिस्ट है उसको देख के जाना है,
काफी सारे लेक्चर्स सेकेंड थर्ड और नाइन्थ के आपके डले हुए हैं, उनको आप देखें, काफी इंपॉर्टेंट आपको वहां से मदद मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ बात करें एमसीक्यू, जिसको कहते हैं आप मॉक या फिर आप उसको कहते हैं पीवाईक्यू, ठीक है। इनकी बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये वाला सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम इंपॉर्टेंट है, वो कब है वो बात करेंगे अभी आगे, लेकिन पहले जो आपको इंपॉर्टेंस देनी है वो किस पे देनी है, वो देनी है आपको, तो इसको कह सकते हैं हम टीपीएम प्रोग्राम, ठीक है। टीपीएम प्रोग्राम आपका है थ्योरी, पीवाईक्यू एंड फिर आपका मॉक टेस्ट या फिर एमसीक्यू। तो पहला चरण कर लिया आपने, सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में आप पीवाईक्यू करेंगे धड़ल्ले से, बिना किसी शर्म, बिना किसी लिहाज, बिना किसी उस चीज के आपको जो है पीवाईक्यू लगाना है एक से लेके 100 तक हर साल के, ठीक है। बिना किसी इफ एंड बट के आपको जो है यहाँ पर सवाल लगाने हैं 100 सवाल, इसको आप ध्यान रखें। 100 सवाल कैसे लगाएंगे आप उठाइए पेपर 2019 का और अभी चल रहा है 23 का, ठीक है। 24 वाला मत लगाइए, परेशान होंगे खुद आप और फिर आप दिसंबर में फिर यही सब बातें आप सुनेंगे, ठीक है। तो 24 का लगाना है आपकी मर्जी, लेकिन 19 से लेके 23 तक आपको क्या करें, एक से लेके 100 सवाल आते हैं आपके साइकोलॉजी के, उनको आपको लगाना है, मस्ट है आपके लिए ये करना अगर आपको पास होना है तो। बाकी फिर आप इस प्रकार की स्ट्रेटेजी वीडियो आगे देखने के लिए भी स्वागत है आपका, लेकिन अगर आपको पास होना है तो ये आपको करना आपके लिए मस्ट है। 19 करना है, 20 करना है, 21 करना है, 22 करना है और 23 करना है, जितने भी पेपर हुए हैं सारे के सारे क्या करना है आपको, सारे के सारे आपको यहाँ पर मस्ट है करना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए करना। जितने अच्छे से आप करेंगे इन 100 सवालों को बार 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 बार, है ना, लोगों ने जो है अपने स्कोर 80 से 160 180 पे पहुंच गए हैं लोग, ठीक है। यही चीज करके, क्या चीज करके, ये जो थे आपका ये पीवाईक्यू लगाकर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें, जितने अच्छे से आप ये करेंगे, जितने बेहतरी से आप इसको करेंगे, उतना अच्छे से आपका पेपर जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। भले ही आपके मान के चले 300 थ्योरी नहीं आती आपको, 50-100 ही आती है, लेकिन अगर आपने इसको पकड़ लिया, इनको कर लिया आपने अच्छे से, पीवाईक्यू आपने अच्छे से कर लिया जिस प्रकार से हम कराते हैं, अगर वो वीडियोस आपने देख लिए, ठीक है। अगर प्रीमियम वगैरह कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं अभी समय है, कर सकते हैं उसको ज्वाइन, तो वो कर लीजिए, तो आपको जो है पीवाईक्यू वगैरह आपको जो है अच्छे से वहां पर कवर हो जाएगा, ठीक है। या खुद से करना चाहते हैं तो भी आप कवर करें इसको, लेकिन आपको अच्छे से कवर करना होगा, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। जितना अच्छे से आप पीवाईक्यू करेंगे उतना आपका फायदा होगा। उसके बाद अब बात आती है किसकी, उसके बाद बात आती है आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट की, ठीक है। तो मॉक टेस्ट अगर आपको मिलता है तो उसको आप लगाएं, नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं, एक फ्री मॉक टेस्ट डला हुआ है चैनल के ऊपर, ठीक है। उसको जाकर आप वहां से एक्सेस करें, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से उसको आप वहां पर देख सकते हैं। अच्छा नहीं, वहां पर अभी नहीं है क्या मॉक, ओके ठीक है। तो अभी मॉक नहीं है, तो चलिए मॉक को हटाइए, यहाँ पर समय नहीं मॉक टेस्ट का अभी। अभी क्या करें आप, अभी दो ही प्रोग्राम करें आप, टी वाला करें, थ्योरी करें सबसे पहले आप, एंड देन क्या करें उसके बाद करें अपना यहाँ पर पीवाईक्यू। किस प्रकार से करना है बता दिया है आपको, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर वो भी बता दिया है आपको, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया है। अब करेगा कौन, करेंगे अब आप, ठीक है। आपकी बारी है करने की, है ना। अब आपका टाइम आ गया है, अब आपका समय आ गया है, जिसको जितना अच्छे से यूटिलाइज कर सके उतना अच्छे से यूटिलाइज करिए। बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, अपने जो है रिवाइज करिए अच्छे से चीजों को, एलटीएम से एसटीएम, एसटीएम से एलटीएम, बराबर इसको खेलते रहें, है ना। कुछ भी जानकारी को छूटने ना दें, स्किप ना होने दें बिल्कुल भी, और सारे के सारे पेपर लगाइए, ठीक है। आप ये खुद देखिए, आप खुद देखिए, आप सोच रहे हैं कि मैं पास करूंगी या नहीं करूंगी, आप खुद देखिए, कोई भी पेपर उठाइए ये वीडियो खत्म होने के बाद अपना, ठीक है। कोई भी पेपर उठाइए अपना पीवाईक्यू, एक से लेके 100 तक लगाइए, आप देखिए 50-60 पे आप लटके रहेंगे। क्यों, जब आपको यही वाले सवाल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जब आपको यही वाले सवाल नहीं आ रहे हैं आपको, तो आप आगे के सवाल कैसे लगाएंगे बताइए। चलिए मान के चलिए, अगर आप कह रहे हैं कि 100 तक हमने लगाया और हमारे 95 सही आए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करिए, ये जो सवाल लगाया था आपने, इसको 5 दिन के बाद फिर से लगाइए, आपका देखिए 70 पे आप आ जाएंगे, 80 पे आप आ जाएंगे, है ना। बता रहे हैं जस्ट इन केस, अगर आपने बार बार प्रैक्टिस किए तो नहीं आएंगे, आपका 95 से 98 जाएगा, ठीक है। ऐसा आता है स्कोर लोगों का, आपको करना होगा, ठीक है। अलग से कुछ नहीं करना है आपको, जो पीवाईक्यू है वो आप नहीं समझेंगे, है ना। थोड़ा सा हमारा कोर्स वगैरह ज्वाइन करिए, समझ में आएगा आपको पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप, आपके लिए पीवाईक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप इसको लगाएंगे बार 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 बार, उतना आपके लिए फायदे की चीज होगी, ठीक है। एक और बात, यहाँ पर इसको रटना नहीं है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल भी आप मेमोराइज नहीं करना है आपको कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। आपको ये जानना है कि पचीमु यानी कि वो वाई है ना, क्यों आंसर है इसका, वो आपको ढूंढना है। वो आपने ढूंढ लिया तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा जीवन के अंदर, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी मिनी स्ट्रेटजी, इसको आप फॉलो करें, आपको देखिए यहाँ पर नो डाउट आपको यहाँ पर फायदा होगा आपके आगामी आने वाले एग्जाम के अंदर। उसी के साथ देखिए, प्रीवियसली आपके 2-3 वीडियोस आई हैं फ्री में, उन लोगों आपको लोगों ने देखा नहीं है, उसको जाकर देखिए और आपका जो है समझ में आएगा आपको कि आपके लिए कितने काम की चीज फ्री में मिल रही है, तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसको आप देखें, लेक्चर समझ में आ रहा है बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसको देखना है या नहीं देखना है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपकी जो यूजीसी नेट की फ्री प्लेलिस्ट है, उसको भी आपने जो है एक्सेस मिला हुआ है आपको, तो उसको आप देखें और बार बार जो है उन वीडियोस को देखें और बार बार जो है प्रैक्टिस करें अपनी अच्छे से।
जितना आप रिवाइज करेंगे तीन चीजें आपको काम देंगी, वो है आपका रिवीजन, दूसरा है आपका रिवीजन और तीसरा है क्या आपका, तीसरा भी आपका है रिवीजन। ठीक है, ये करना है बार बार, ये करना है बार बार और ये करना है बार बार, और आप देखेंगे कि आपका जो नेट है और आपका जो जेआरएफ है वो आपकी पास में होगा। ठीक है, इसको करना है आपको बार बार, खासतौर पर बात करें आपके पेपर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो मत करें, लेकिन सब्सक्राइब मत करें या करें जो भी करना है, लेकिन पढ़ाई जो है आप अपनी अच्छे से जारी रखें और अच्छे से उसको क्या दें, इंपॉर्टेंस देते हुए आगे आप पढ़ाई कंटिन्यू करें। ठीक है, ओके, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।